इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। मध्य प्रदेश के अंदर 17 नवंबर को मतदान हो गए। मतदान के पूर्व शायद ही ऐसी कोई विधानसभा मध्य प्रदेश के अंदर रही होगी जहां नेताओं ने पैसा, शराब, कंबल, पायल या मतदाताओं को रिझाने के लिए जितने भी धत्कर्म किए जा सकते थे सभी प्रत्याशियों ने किए। प्रत्याशियों द्वारा किए जाने वाले धत्कर्मों से कई जगह मारपीट की खबरें भी आईं, कई जगह गोली चली, कई जगह तलवार चले। छतरपुर जिले में तो कांग्रेस के प्रत्याशी के एक समर्थक पर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने जीप चढ़ाकर हत्या भी कर दी। अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार अगर नेता 5 साल जनता के साथ ईमानदारी के साथ काम करे तो चुनाव के दौरान शराब और पैसा बांटने की जरूरत ही क्यों पड़े। कांग्रेस और बसपा के लोग ऐसा करते हैं तो बात समझ में आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो चाल चरित्र चेहरे की बात करते हैं, संस्कृति और सभ्यता की बात करते हैं, उसके बाद भी चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग भी वे सारे हथकंडे अपनाते हैं जो कांग्रेसी अपनाते आए हैं। जो गंदगी कल तक कांग्रेस में थी उससे ज़्यादा गंदगी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसियों से सीख ली, लेकिन कांग्रेस की अच्छाई भारतीय जनता पार्टी ने सीखने का प्रयास नहीं किया। जब कांग्रेस की प्रदेश में सरकार होती है तो उनके कार्यकर्ताओं को सरकार में बड़ा महत्व मिलता है, उनके साधारण से कार्यकर्ता का भी काम बड़ी आसानी के साथ हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सबका काम हो सकता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम नहीं होगा। इसीलिए कार्यकर्ता चुनाव में नेताओं को वही कला दिखाता है जो 5 साल नेता कार्यकर्ताओं को दिखाते हैं। देश के अंदर सांसदों और विधायकों की बढ़ती आय इस बात का प्रमाण है कि कहीं ना कहीं नेता नाजायज तरीके से पैसा कमाते हैं और जनता भी यह बात समझ चुकी है। इसीलिए जनता भी अब वोट बेचने लगी है। आजकल तो आम मतदाता यह कहने लगा है कि प्रत्याशी ने कोई व्यवस्था ही नहीं की तो प्रचार कैसे करें, वोट कैसे दें। हम जिसे लोकतंत्र का महोत्सव कहते हैं वह सुनने में भले अच्छा लगता हो, पढ़ने में भी अच्छा लग सकता है, लेकिन चुनाव अब महोत्सव नहीं रह गया, चुनाव अब एक व्यापार हो चुका है। यहाँ नेता वोटरों को खरीदता है और जो वोटर नहीं बिकता वह वोट डालने ही नहीं जाता। सारे मतदाता ऐसे नहीं है लेकिन जीत हार का फैसला करने वाला मतदाता निश्चित तौर पर बिकाऊ हो चुका है, नहीं तो देश की संसद और प्रदेश की विधानसभा में गुंडे और मुसदंडे नहीं बैठे होते। अधिकांश नेताओं के दामन किसी न किसी दाग से दागी हैं, लेकिन नेता के पास पैसा है तो उसे टिकट मिलेगा, उसे मंत्री भी बनाया जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पवित्रता और पारदर्शिता की बात चाहे पार्टियां जितना कर लें, आज की तारीख में न कहीं पवित्रता बची है न कहीं पारदर्शिता। आजकल तो चुनाव के दौरान मीडिया भी पैकेज के आधार पर संचालित होता है, जिसका जितना बड़ा पैकेज उसकी उतनी बड़ी कवरेज, नो पैकेज नो कवरेज। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, जिनकी हैसियत बहुत बड़ी नहीं है वह भी चुनाव के दौरान नेताओं के दरवाजे ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे इस मीडिया कर्मी के खबर चला देने से ही नेता चुनाव जीत या हार जाएगा। नेता भी यह सोच लेता है कि चलो यार 2-4 हज़ार देकर पिंड छुड़ा लिया जाए। मीडिया की घेरेबंदी को देखते हुए एक नेता ने कहा था कि यदि मीडिया इतना ही ताकतवर है तो मीडिया के मालिक ही क्यों सांसद और विधायक नहीं बन जाते। नेता भी आजकल मीडिया को मैनेज इसलिए करता है क्योंकि वह जनता से कटा होता है, जनता के बीच उसकी छवि अच्छी नहीं होती, इसलिए उन्हें भी यह डर लगा रहता है कि मीडिया कहीं उसकी नकारात्मक छवि न बना दे या नकारात्मक प्रचार न कर दे। लेकिन जो जमीनी नेता होते हैं वह मीडिया को साफ साफ कह देते हैं कि आपको जो छापना है छाप दीजिए। चुनाव के दौरान यदि किसी नेता का समाचार छप रहा है तो समझ लीजिए कि मीडिया मैनेज है, और यदि नहीं छप रहा है तो मान लीजिए मीडिया नहीं मैनेज हो पाया। आपको हमारी खबरें कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।